ये बताएं आप अपने ऑफिस में छुप छुप कर जो नोट्स बना रहे थे वो <laughs> तो आपने मेरे साथ आज प्रोग्राम के के प्रोग्राम लिए शेयर क्यों नहीं किए नहीं नहीं शेयर प्रोग्राम में जब शेयर कर लेते हैं तो पहले से आप खबरें लिखनी होती हैं नोट्स लिखने होते हैं रबे करने होते हैं कन्फर्मेशन करते हैं आपने अखबार में काम नहीं, नहीं किया आपको क्या पता नाजुक खबरें जो होती हैं उसे क्या करना होता है जी खतरनाक खबरें नाजुक नहीं खतरनाक नंबर वन एक मंसूबा बनाया गया है अमरीकी सरपरस्ती में जिसमें जो बाइडन के दौर में अमल करने की कोशिश की जाएगी मंसूबा है मंसूबा लफ्ज़ मंसूबा जहन में रखें इमरान ख़ान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना दी जाए वज़ी अजम का नाम तजवीज़ कर दिया गया है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के लिए मनसूबा है मनसूबे के मकासद क्या हैं मतलब उसके लिए सियासी पार्टियाँ भी सरगर्मी नवाज़ शरीफ की ताइद भी हासिल है और उससे ज़्यादा फजल रहमान की जमीत और इस्लाम के कारकनों को वसायल मुहैया कर दिया गया हैं टास्क दे दिया गया फैबरी के आखिर में होगा इस्लामाबाद में मुजहरा कर मैंने आपसे शुरू से कह रहा हूँ पिंडी में नहीं होगा इस्लामाबाद में होगा एन जी ओज़ की मदद हासिल करने की कोशिश की जाएगी ये जो है ना इतिहाद बैन ज़िद्दैन है यानी बिल्कुल ही दो मुखालफ अनासर का इतहाद है इसमें जुमदालमा इस्लाम शामिल है इसमें नून लीग शामिल है इसमें सिविल सोसाइटी के लिबरल एलिमेंट शामिल होंगे एक तूफ़ान आप देखेंगे सोशल मीडिया पर और ये इलेक्शन कमीशन का हंगामा क्या हंगामा है ये उसकी तमीद है असल हंगामे बाद में होंगे और रियाती इधारों में भी नकब लगाने की कोशिश की जाएगी उनकी मदद हासिल करने की कोशिश की जाएगी ये एक ख़बर ये है नहीं नहीं मैं रुक जाए मैं सही सुन रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि हमारे मुंतब वजी अजम इमरान खान साहब का तख्ता उलटने का मनसूबा बना लिया गया और तमहीद होगी इलेक्शन कमीशन के, हो के बाहर होने वाला उन्नीस जनवरी का एहत्याए वजी अजम का नाम उन्नीस जनवरी को, तो को तो कतलम उन्नीस जनवरी को तो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है वो तो कल पेश हो रहे हैं तो परसों क्यों मुजाह करेंगे से आप समझ लें नए वजीर का नाम सोच लिया गया नए वजी का नाम बता दूंगा थोड़ी देर में जब तफसील में जाएंगे जो मनसूबा है अरुण साहब आप ये ये जो नाम है ना ये आखिर पे बताइए कुछ हजम करने के लिए वक्त चाहिए इन खबरों को हमें ठीक है, है और दूसरी खबर आप क्या शेयर करने वाले हमारे साथ दूसरी खबर ये सिविल सर्विस में बड़ी पैमाने पर तब्दीलियों का इरादा है चीफ सेक्रेटरी आईजी समेत दो कमिश्नर पांच छे डिप्टी कमिश्नर छह सेक्रेटरी किस जगह पे होने वाला है ये सब पंजाब में और कहाँ पे जहाँ हम बैठे हुए हैं पंजाब में नाम बताएंगे उनके इरादा यह है जो तजवीज है कलीम इमाम को आई जी बना दिया जाए जाएसफ नसीम खोखर जो पहले भी चीफ सेक्रेटरी रहे उनको चीफ सेक्रेटरी जिनको पहले हटाया गया वही वापस आएंगे अब कहा जा रहा है ना कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी वो तो आपको पता है ना कि हर चार पांच महीने के बाद पंजाब का आई जी और चीफ सेक्रेटरी बदलना होता है कोई पहले दफा थोड़ी है हारून साहब

बुजदार को उन्होंने रखना है जो बुजदार के साथ नहीं चलेगा वो जाएगा दूसरी बात है जिसकी परफार्मेंस नहीं होगी वो जाएगा इस के बारे में तो मैं लिख चुका हूँ कल कह भी चुका हूँ आपके प्रोग्राम में कि इस अफसरशाही के होते इस चीफ सेक्रेटरी और इस आई के होते हुए पुलिस असलाहत नामुमकिन है इमरान खान की पूरी सपोर्ट तो उमर शेख को भी हासिल थी उन्होंने मुझे फ़ोन किया आपको बताया कि मैं आ रहा हूँ मैं उसे पहले कह चुका था कि दावे नहीं करने चाहिए दावा करने वाला नाकाम होता है उन्होंने कहा मैं अभी इसी वक्त आपके पास आ रहा हूं आपको समझाता हूँ मैंने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं आप परफॉर्म करेंगे सारी दुनिया आपकी तारीफ करेंगे और मैं खुद आपके पास आऊंगा चल कर आपको मेरे पास आने की क्या जरूरत है उमर शेख साहब जो है वो वो उन्होंने ये धपकी दी तो उन्होंने ये समझा कि मैं मुख्तार कुल हो गया हूं उनको वो अपॉरचुनिटी मिली थी उससे मिलती जुलती जैसी डॉक्टर सडल को नाइन नाइन फाइव में मिली थी पूरे इख्तियार हालांकि वो डी आई जी थे आई जी नहीं थे ये सी सी पी ओ थे ना तो इनको तो इनके मामले में उन्होंने ऐलानात करना शुरू कर दिए तो कलीम इमाम इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस अफसर जो तीन चार पाँच होंगे पी एच डी पहले तो डॉक्टर सडल थे दूसरे मेरे ख्याल में एक और साहब थे तीसरे ये थे वाइट कॉलर क्राइम नहीं इनके वाइट कॉलर क्राइम है नहीं इन्होंने इलेक्शन कराए थे पंजाब में ये निगरान दौर में आई जी थे एक भी कत्ल नहीं हुआ था हमेशा होते थे कोई फसाद नहीं हुआ था पाँच साल यू एन ओ में जॉब की है और जहां कहीं गए हैं क्राइम रेट गिरा है ये डॉक्टर सेटल के शागिरदा में से हैं अभी अभी फिर जब इनको तब्दील किया गया था उसकी वजह क्या थी है कुछ भी नहीं हो तो निगरान दौर में जो लगाए गए गए थे थे सब तब्दील किए चीफ सेक्रेटरी भी बहुत अच्छे थे दुरानी साहब उन्होंने तब्दील किया उन्हों एक्सपोजर इतना नहीं था लेकिन बलुचिस्तान से उनका ताल्लुक था जबरदस्त चीफ सेक्रेटरी थे वो तो जब नई सुबाई हुकूमत आती है तो अपनी मर्जी उस वक्त तजवीज किया गया था कुछ लोगों ने कहा था कि इन लोगों को ना हटाएं लेकिन उस वक्त चौधरी परवेज़ लाई साहब बाद समेत बाद लोगों का फैसला था कि अपनी मर्जी के अफसर लगवाएंगे तो अपनी मर्ज़ी के लगवा लिए नतीजा आप देख चुके हैं चार पाँच जा चुके हैं और अंदाज़ा यह है कि ये भी जाएंगे अब मुझे नहीं पता यह हतमी फैसला मुझे नहायत जिम्मेदार आदमी ने पता ऐसी आर ख़ारी की बात सुन के थोड़ी मैं उस पर यकीन कर लेता हूँ ये तो अभी मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि ये खबर आप न दें मेहरबानी करके एहतियात करें मेरी खैर खाई में कह रहे थे कि तो भाई ये इसको कंफर्म करें इमरान खान के खिलाफ जो मनसूबा है मगर मुझे मालूम है वेल प्लेस सोर्स है आनेस्ट है। सोर्स क्या होता है जो वेल प्लेस्ड हो आनेस्ट हो गप शप ना करता हो तो उसने मुझे बताया हारून साहब हुसैन आप... हारून को वजीर आजम बनाने का मनसूबा है जो अकवाम मतहदा में, में सफीर रहे हैं पाकिस्तान हुसैन हारून साहब जी जी आप ख्याल में मैं लतीफे सुना रहा हूँ नहीं आप आप जितनी तसल्ली और आराम से चीजें बता रहे हैं तो तसल्ली ठीक है ना एक दिन आरफ नज़ामी साहब ने खबर दी थी कि हुकूमत बरतरफ हो जाएगी कल बेनजीर की तो सारी दुनिया कहती थी ये क्या बात है मगर बरतरफ हो गई ना अरे फरवरी के आखिर पर यह मामला बहुत आगे बढ़ेगा सैनेट इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा कुछ नहीं, क्या बनेगा सेनेट इलेक्शन तो एक अलग चीज़ है ना सेनेट इलेक्शन की तो मैकेनिक्स पे और सारे मामले पे हम कल बात कर चुके हैं कि पंजाब में तो पोजीशन अपनी सिक्योर कर ली इमरान खान ने चौधरी के साथ बात करके चौधरी से बेहतर तो ये काम कोई नहीं कर सकता पॉलिटिकल मैनेजमेंट और पख्तून खान में ज़ाहिर है वो बंदोबस्त करेंगे कि पिछली दफा की तरह उनके वोट न बे, बेके अब तो वो सूबे में भी हुत है मरकज में भी हुकूमत है अब तो पार उनके, पार उनके पास एजेंसियाँ भी है निगरानी भी कर सकते हैं और अगर किसी ने बेचा तो फिर उसका बंदोबस्त करेंगे कराची में जो है उनके आदमी पक्के हैं वहाँ कोई खतरा नहीं है उनका तावन हासिल करेंगे बलोचिस्तान में उनके एलाइज हैं अपने आदमी तो कम है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक सिंध की जो क्यादत है वो इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो उन्होंने दूसरे मानी में कहा ना करदा कार है काम नहीं करती गवर्नर साहब है उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं ना करदा कार वो उस पर बैठे हुए खोखे पे चाय पी रहे होते हैं पराठा खा रहे होते हैं ये गवर्नर का काम है और तूफान के दिनों में सैलाब के दिनों में ठीक और उन सब सियासी शोरश मजीद बढ़ जाएगी तो इमरान खान साहब के अटेंशन सियासी शोरश क्या बढ़ जाएगी कल जो मैंने बात कही थी इकबाल ने कहा था तूफान ही तूफान को रोक सकता है आपका ख्याल है इमरान खान हाँ के कारकुन आराम से बैठ जाएंगे आपका ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट हमायत करेगी कोई मजाक है कोई मतलब किसी दफ्तर से किसी क्लर्क की बरतरफी का मसला है इमरान खान हाँ के साथियों से छोड़ देंगे और इमरान खान हाँ जो है वो भाग जाएगा इमरान ख़ान हाँ एक डटकर खड़ा रहने वाला आदमी है और बिल्कुल फौज इसकी हमायत नहीं करेगी ये कैसे हो सकता है तो देखिए इसके मकासद क्या हैं ये समझने की कोशिश करें क्यों ऐसा किया जा रहा है एक अरब मुल्क इसमें शामिल है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सा मुल्क है पिछले दिनों उसके सफीर इमरान खान से मिले और वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो भाई हैं और ये हैं और डैमेज रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं आपका ख्याल उस वक्त हम कह रहे थे यार क्यों इसने बयान दे दिया शाह महमूद ने मगर ज़ाहिर हुकूमत के पास इतलात थी ना कि भाई ख़राबी करने पर तुले हुए हैं चीन के साथ ना जाए पाकिस्तान सी पैक अव्वल तो हो नहीं हो तो बरा नाम महदूत हो अमरीकी देखिए ना उन उन्होंने पत्ते क्या अमेरिका ने क्या पत्ते लगाए थे जापान ऑस्ट्रेलिया भारत अमेरिका चार मुल्क मिलकर दुनिया को गवर्न करेंगे सीनियर बुश ने क्या कहा था न्यू वर्ल्ड आर्डर उनके थिंक टैंक क्या कह रहे थे 21वीं सदी का अमेरिका 21वीं सदी में अमेरिका का किरा और बढ़ेगा थिंक टैंक्स के नाम भी हैं लिखे हुए अब सारी चीज़ें याद जुबानें तो याद नहीं रहती